आज से देश भर में भाजपा के जन आशीर्वाद यात्राएं शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत गुरुग्राम जिले से की। वे इस दौरान अपने पैतृक गांव जमालपुर भी पहुंचे। गुरुग्राम के बाद वे रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ भी जाएंगे। इसके बाद वे राजस्थान में जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। यात्रा गुड़गांव जिले से होती हुई मेरे पैतृक गांव तक जाएगी। कल वहां से इस यात्रा को प्रारंभ करके रेवाड़ी में एक रजांगला का बड़ा सैनिक शहीद स्थल है, उसको स्मरण करते हुए नारनौल और महेंद्रगढ़ होते हुए सैनिकों का गांव जो झुंझुनू कहा, सैनिकों का जिला झुंझुनू कहा जाता है, वहां तक जाएगी। एक तरीके से कल राजस्थान में झुंझुनू जिले में यात्रा प्रवेश करेगी। आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से शुरू होकर मानेसर में पटौदी से विधायक सतप्रकाश जरावता के नेतृत्व में जनसभा का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं को स्थान देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सर्वसमावेशी विकास की अवधारणा है उसको विस्तार और बल दिया गया है। पिछले 7 सालों में उन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार ने अनेकों कल्याणकारी कार्यक्रम किए हैं और इसलिए अब संसद का सत्र पूरा होने के बाद जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सभी मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा पर कहा कि केंद्रीय मंत्री की शपथ लेने के बाद जनता द्वारा उनके सम्मान में इस यात्रा का आयोजन किया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसके जिसके जीवन में कोई नई एक घटना होती है तो वो यात्राएं निकलती हैं और यात्रा पहले भी निकलती रही हैं, आज भी है, आगे भी निकलेंगी। आखिर किसी भी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए गांव के लोग या वहां के उस इलाके के लोग सम्मानित करते तो अच्छा ही।